पिलानी ब्लॉक में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने छापा मारकर हरियाणा निर्मित 6 ट्रांसफार्मर किए जब्त, 8 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम ने पिलानी ब्लॉक के छापड़ा, लीखवा, बनगोठड़ी, सरदारपुरा, बेरी सहित अन्य गांवों में कार्रवाई के दौरान 6 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर जुर्माने के लिए VCR भरा। XEN अशोक चौधरी ने बताया कि विभाग की आज की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बिजली चोरी का नया तरीका सामने आया है। जिन लोगों को विभाग ने कृषि उपयोग के लिए 3-phase कनेक्शन किए हैं, वही लोग हरियाणा से अवैध ट्रांसफार्मर लाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। डिस्कॉम कृषि क्षेत्र के लिए 5 से 6 घंटे बिजली की आपूर्ति करता है, लेकिन 24 घंटे बिजली के लिए लोग अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर चोरी कर रहे हैं। विभाग की आज की कार्रवाई में 6 ट्रांसफार्मर जब्त कर 8 लाख रुपये की VCR भरी गई है। सभी मामलों में बिजली चोरी के मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। टीम में XEN अशोक चौधरी के अलावा श्रवण कुमार अग्रवाल, XEN विजिलेंस, AEN कृष्ण सिंह शेखावत, AEN सुरेंद्र सैनी, राम प्रताप बरबड, KK डिग्रवाल, मायालाल, अक्षबरनाथ सिंह, संदीप मीणा, नरेंद्र सैनी, अंकित राव, अभिषेक नेहरा सहित विजिलेंस टीम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज सुबह हमने करीबन 4 बजे 64 कर्मचारी, टीम, इंजीनियर्स वगैरह लेके बेरी, बनकोटरी, छापड़ा, लीपवा, सुजलोला, दुलाने इस एरिए में अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने की कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं और करीबन 8 लाख का जुर्माना किया है। ये अभियान पिछले दो साल से चलाया जा रहा है। इसमें हमने करीबन 130 के आसपास ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए अब तक, फिर भी ये लोग क्या रुक नहीं रहे। इन लोगों को हमने 21 मार्च तक के सबको कनेक्शन दे दिए हैं। कनेक्शन देने के बाद जिनको कनेक्शन है वो भी चोरी कर रहा है, तो कुछ लोग मांग पत्र नहीं जमा करा रहे। उनकी हमने लिस्ट बनाई है, जिन लोगों ने मांग पत्र नहीं जमा कराया, चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। जिन लोगों ने कनेक्शन ले लिया फिर भी वो हरियाणा वाले ट्रांसफार्मर ला के चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और करीबन हमारे पास जो लिस्ट है, करीब 120 आदमियों की लिस्ट और है, वो ट्रांसफार्मर पिछले अगले 1-2 महीने में सारी कार्रवाई करके जब्त कर लेंगे। एक मुर्गी फार्म पे जो कार्रवाई हुई, एक मुर्गी फार्म नारी डेढ़ा ग्राम की डांडी में 2 कनेक्शन थे, उपभोक्ता ने 1 कनेक्शन कटवा लिया। PDC कनेक्शन है, वो अवैध हरियाणा ट्रांसफर ला के उसे अपने मुर्गी फार्म चलाया था, उसको हमने जब्त कर लिया। करीबन 3 लाख की VCR भर के वो नियमानुसार उसकी FIR दर्ज करवाई जाएगी। मौके पर कनेक्शन काट दिया गया है। झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर हुई विफल। कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, ये कहना है भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का। झुंझुनू रोड स्थित रेड चिल्ली होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, भाजयुमो जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ समेत अन्य भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने PM नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में हर विधानसभा पर रक्तदान एवं अन्य सेवा के कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार एक साथ रक्तदान को लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे महिला अपराधों में बढ़ोतरी की बात हो या फिर अन्य अपराधों की। इसके अलावा बिजली की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। सबसे महंगी बिजली अगर किसी प्रदेश में मिल रही है तो वह राजस्थान में है। चतुर्वेदी ने कहा कि लंपी बीमारी को आपदा घोषित अभी तक नहीं की गई है, इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार इसको लेकर भी संवेदनशील नहीं है। गहलोत सरकार को जल्द से जल्द लंपी वायरस रोग को आपदा घोषित कर देना चाहिए। राजस्थान की सरकार को लगभग 4 साल पूरे हो गए और इस 4 साल के कालखंड में अगर केवल एक लाइन में कहें तो सरकार हर मोर्चे पर विफल हो। जो चुनावी वादे इन्होंने किए थे 4 साल पूरे होने के बाद भी आज तक उनको पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था किसानों की संपूर्ण ऋण माफ़ी, किसान आज भी ठका महसूस कर रहा है। ऋण माफ़ी का सर्टिफिकेट मिलने के स्थान पर उसको उसकी ज़मीन की कुड़की के नोटिस मिल रहे हैं और कई जगह ज़मीन कुड़क होने की स्थिति आ चुकी है। जहाँ रेगुलर सिलेक्शंस की बात है, वो चाहे SI की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, RS की परीक्षा हो, सारी परीक्षाएँ एक बड़े स्कैम का मजाक बनकर रह गई हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो बिना आवेदन के बिना आसानी के निकली हो। राजस्थान को शांतिप्रिय राज्य कहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन 4 सालों में राजस्थान कानून व्यवस्था के नाते से देश में पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। खराब कानून व्यवस्था, दुष्कर्म में हम 1 नंबर पर,
महिला दुष्कर्म में हम दूसरे नंबर पर हैं, साइबर क्राइम में पहले नंबर पर, बेरोजगारी की आत्महत्या के मामले में हम पहले नंबर पर। यूपी वायरस ने आज गायों के बहुत बड़ी बीमारी को खड़ा किया है, राजस्थान पूरा उससे लपेट में आया है बड़े पैमाने पर। मोटा आंकड़ा ऐसा है, लगभग 1.5 लाख के आसपास गायें अब तक मरी हैं, 5 लाख से ऊपर गायें संक्रमित हुई हैं। बार बार कहने के बाद भी राजस्थान सरकार ने इस लंपी वायरस को राज्य की आपदा घोषित नहीं किया। पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे चिड़ावा, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज पायल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने की। शिविर में रक्तदान करने युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 400 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पूर्व पार्षद सुरेश जालिंद्रा, पार्षद अनूप भगेरिया, मुकेश जालिंद्रा, मदन दारा, योगेंद्र कटेवा, हितेश पचार सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहर की मांग को लेकर पिलानी से किसानों ने किया दिल्ली कूच, पदयात्रा कर पीएम मोदी को सौंपेंगे ज्ञापन। क्षेत्र में नहर की मांग को लेकर किसान नहर सिंचाई जल आंदोलन के कार्यकर्ता आज पिलानी से दिल्ली के लिए पदयात्रा के जरिए रवाना हुए। प्रसिद्ध मूर्तिकार मास्टर माथुराम वर्मा, विद्या विहार नगरपालिका उपाध्यक्ष रोहिता सिंह राठौड़, कोच कमल नायक ने कार्यकर्ताओं को पिलानी नगरपालिका के सामने से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे राजकुमार नायक ने कहा कि नहर के नाम पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सिर्फ राजनीति ही होती आई है। किसानों को आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि सिंचाई के लिए तो दूर की बात है, पीने के लिए भी बमुश्किल पानी मिल पा रहा है। नहर की मांग पर पिछले 3 महीने में आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 10,000 से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाए हैं। नहर की मांग का ज्ञापन इन हस्ताक्षरों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद भारत माता के जयकारों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस पानी की समस्या को लेकर, इस नहर की मांग को लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और गाँव में किसानों से और आम नागरिकों से हस्ताक्षर करवाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन के उत्सव पर हम केक काटकर और यहाँ से एक पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस समस्या को प्रधानमंत्री के यहाँ रखेंगे। राजस्थान की राज्य सरकार से, यहाँ के प्रशासन से हमने काफ़ी बार इनको अवगत कराया, लेकिन यहाँ इस समस्या के समाधान के केवल आश्वासन हैं। अब लास्ट हमारा देश के प्रधानमंत्री से निवेदन रहेगा और ये ज्ञापन सौंप कर, और हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और इस क्षेत्र को नहर का पानी देंगे।